दोस्तों, अगर आप केएल राहुल को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी में भारतीय टीम ने अपना आपस में एक इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला और ये मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो गया कि अंतिम गेंद पर 2 रन की आवश्यकता थी जीत के लिए। और दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट्स को जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन, संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय टीम अब एशिया कप से पहले सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने के लिए जाएगी या 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम रवाना हो गई है, जिसमें पहले शिखर धवन को टीम की कमान सौंपी गई थी, लेकिन राहुल की वापसी से केएल राहुल को टीम की कमान सौंप दी गई है। और ऐसे में भारतीय टीम ने अभ्यास करते हुए एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला, जहां एक टीम की कप्तानी केएल राहुल ने करी तो वहीं दूसरी टीम की कप्तानी शिखर धवन ने करी, जिसमें केएल राहुल ने अपनी टीम में संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और शरदुल ठाकुर को शामिल किया। तो वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन ने अपनी टीम में शुभमन गिल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज और दीपक चहर को शामिल किया। और इस मुकाबले में सबसे पहले केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन की टीम जब सामने आई तो शिखर धवन और गिल ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन पहली ही गेंद पर शरदुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गिल को चारों खाने चित कर दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए और अब ईशान किशन और शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया और पावर प्ले में 40 रन बटोर लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी, जहां दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही दोनों बल्लेबाजों में से एक ईशान किशन रन बनाने के चक्कर में झटपटाते हुए नजर आने लगे और 54 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए। भारतीय टीम की पारी को आपको बता दें कि संभालने के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने शिखर धवन का हाथ थाम लिया और शिखर धवन ने एक तरफ से पारी को संभाल कर रखा और अपना शतक पूरा किया, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर 25 रन बनाकर और बाद में बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल 40 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। और इसी के साथ ही 240 रन 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर शिखर धवन ने बना दिए। दोस्तों, इसके बाद 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए केएल राहुल और संजू सैमसन मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया। और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लगने लगा कि दोनों ही बल्लेबाज मुकाबले को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद गेंदबाजी में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर का कहर देखने को मिला, जहां 115 रन के स्कोर पर बैक टू बैक 2 विकेट शिखर धवन की टीम को मिल गए, जहां पहले वॉशिंगटन सुंदर ने केएल राहुल को 54 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वहीं अगले ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने संजू सैमसन को 56 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा के ऊपर आ गई, लेकिन राहुल त्रिपाठी भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और 3 रन के स्कोर पर 29 ओवर में दीपक चहर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। और अब बल्लेबाजी करने शरदुल ठाकुर आए और शरदुल ठाकुर ने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी, जिसमें दीपक हुड्डा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन शरदुल ठाकुर ज्यादा देर नहीं रुक पाए और 25 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन अब जीत के लिए 10 ओवर में 48 रनों की आवश्यकता थी और दीपक हुड्डा ने कुलदीप यादव के साथ मिलकर अंत तक पारी को संभाल कर रखा और 95 के स्कोर पर पहुंच गए। लेकिन अब अंतिम ओवर में 8 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने मोहम्मद सिराज आए और मोहम्मद सिराज ने पहले 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं खाया, लेकिन अगली ही गेंद पर छक्का खाया और दीपक हुड्डा ने अपना शतक पूरा किया। लेकिन अब अंतिम गेंद पर जब 2 रनों की आवश्यकता पड़ी तो दीपक हुड्डा ने 2 रन लेने की बजाय चौका जड़ दिया और मुकाबले को राहुल की टीम ने जीत लिया। और इस प्रदर्शन को देखकर टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।